कैसे करेंगे? जाके मैं फिर से धमाल कर दोगे ना? देखते हैं यार, अभी बिग बॉस के अंदर किसको किसकी जरूरत पड़ती है, कैसे जाना होगा, अभी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा आशी जी, क्योंकि आप महाराजा भोग में पहले भी आ चुकी हैं, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं। बहुत बार आ चुके हैं महाराजा भोग में, तो मैंने बहुत बार खाया है, बहुत मजा आता है मुझे। बट एक्चुअली मैं थोड़ी नॉन वेज हूँ ना, और ये वेज है, थोड़ी नहीं हूँ मैं, बहुत वाली बड़ी वाली नॉन वेज हूँ। अच्छा अभी रेस्टोरेंट्स को इतना मिस किया, मतलब लॉकडाउन था और बाहर आना जाना तो मुश्किल हो गया होगा। बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने। एक्चुअली मैं लास्ट विजिट की थी मुंबई के अंदर किसी रेस्टोरेंट में इन 2020 मार्च, जहाँ पर मैं लंबे टाइम के लिए बैठी थी। बाकी उसके बाद जैसे लॉकडाउन हुआ है तो फिर मुश्किल से एक घंटा बैठ जाए तो बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पर भी कितना चल रहा है कि हमें क्लोज करना है। अगर तो पहले भी आई है, स्पेशल डिश जो आज है ना, चकरा, मतलब हमेशा आपको बहुत पसंद है। दही वाला होता है ना, दही वड़ा होता है, मुझे बहुत पसंद। शिवानी आना जल्दी, करण जोहर का तो मुझे देखना है कि करण जोहर क्या करेगा और कंटेस्टेंट से कैसे बात करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, सलमान खान का ऐसा टेरर है ना सलमान साहब का, कि मतलब जब हम सलमान साहब के सामने बैठते थे तो हमें लगता था ओ गॉड आगे क्या होने वाला है, एंड जब वो मुझसे बोलते थे मोहतरमा आप बेफिक्री आपके पास आ रहा हूं, तो मैं बोलती थी हो गया। अभी करण कैसे एडजस्ट करेगा वो देखना है। हर्षी जी, सबसे पहले तो बताइए कि महाराजा भोग में आज आप यहाँ पर आए हैं, ढेरों सारे भोग हैं आपके सामने, तो आप बताइए कैसा लगा आपको, एंड आपकी फेवरेट डिश क्या है? यार मैं बहुत दिन के बाद खा रही हूँ, अमेजिंग, बहुत अच्छा खाना है। मैं फिलहाल थाली देखकर मेरा दिल भर गया, क्योंकि मैं इतना नहीं खा पाती, लेकिन कड़ी मुझे बहुत पसंद है इनकी, इनके परवल बहुत पसंद है, बाकी खाना सब लजीज है, दाल बाटी है। कितनी बड़ी फूडी है अर्शी जी, या यू नो जब उनको भूख लगती है तो सबसे पहले लाइक क्या कुछ खाना पसंद करती है? मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ, मैं बस मुझे मंथ में एक दो दिन खाने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन मैं पठान हूँ ना, यू नो, इसलिए थोड़ी सी चौड़ी हट्टी कट्टी दिखती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा दिल खाने का होता है। वेज में मुझे आई लव मेथी की भाजी, मेथी की भाजी मैं बहुत बड़ी उसकी फ़ैन हूँ, मेथी तो मुझे कभी भी ऑल टाइम दे दो। उसके बाद आई लव कटहल, कटहल थोड़ा यू नो वो नॉन वेज टच देता है तो मुझे वेज में वो पसंद है। यार फिटनेस पे अब मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, लेकिन इस वक्त थोड़ा काम पे ध्यान देना, उस वक्त हम काम पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब फिटनेस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। सो बिग बॉस भी आ रहा है, जैसा कि मेरे सारे सवाल लोगों ने आपसे पूछा, तो मैं एक्साइटेड हूं बिकॉज़ इस बार करण जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैंने तो उस दिन भी बोला कि आई लव, मैं ओटीटी पे करण जौहर को देखना चाहती हूं, एंड क्या मज़ा आएगा, कैसे अनएडिट होगा, एडिट नहीं होगा, लोगों के मुँह से क्या क्या जुबान से जो अल्फाज निकलेंगे वो मैं देखना चाहती हूं, मज़ा आएगा। और जो मोस्ट एक्साइटिंग है कि आपको गाना आ रहा है, तो हाँ, आप कुछ बता सके कि क्या कुछ होगा, कुछ सुनने सुना पंजाबी या क्या है, आप बताइए। डेफिनेटली 2 अगस्त को मेरा गाना रिलीज हो रहा है, शो की सिंगर है और मैं उसके अंदर फीचर कर रही हूँ, तो मज़ा आएगा, बहुत अच्छा गाना है। आवाम को, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? बस खुश रहो, 2 अगस्त को गाना देखो यार, मेरा बहुत अच्छा गाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू, गुड लक।